अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये पबजी का गेम प्ले काफ़ी कमाल का होने वाला है क्योंकि ये गेम प्ले सीज़न 1 का गेम प्ले है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंट है अभी के सीज़न में और जो अब चल रहा है उसके सीज़न में और सीज़न 1 के गेम प्ले में। तो लॉबी कुछ इस तरह की नज़र आती है, इसमें थोड़े बहुत डिफरेंट है। इन्वेंटरी का इधर ऑप्शन ऊपर है और जो आज का गेम प्ले है जो भी चल रहा है सीज़न उसमें नीचे आता है। और इसमें आउटफिट इन्होंने इतने नहीं दिए पबजी वालों ने सीज़न 1 में, क्योंकि नया नया लॉन्च हुआ था तो इसलिए अब तो बहुत सारे आउटफिट्स आ गए हैं। और ये अगर बात की जाए इसके मोड की तो इसमें सिर्फ एक मोड था रैंगल, और उसमें आप डुओ स्क्वाड या सोलो खेल सकते थे और इसके अलावा कोई भी नहीं था। मैप सिर्फ रैंगल मैप था। और लोडिंग स्क्रीन की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह की नज़र आती है जो आप अभी से बहुत डिफरेंट है। और जहाज़ में एरोप्लेन में बैठने से पहले जो लॉबी का ये होता है ये कुछ इस तरह का सेम ही है तकरीबन, ये तो सेम ही है। और ये गेम प्ले इतना लंबा नहीं होगा क्योंकि अगर मैं ये गेम प्ले अगर पूरा अपलोड करूँ तो आप बोर हो जाएंगे। तो इसमें मैं आपको मेन कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, जिस तरह व्हीकल की साउंड डिफरेंट होगी, गन के नेम, बुलेट्स वगैरह, ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पहले जो होता था अब तो बहुत लैग होती है गेम, बहुत हैकर भी हो गए हैं। पहले ना लैग होती थी ना हैकर होते थे, और तब रियल बंदे भी कम होते थे, ज़्यादातर बोट होते थे क्योंकि नई नई आई थी पबजी तो कोई इसे इतना खेलता नहीं था। तो अभी मैं एरोप्लेन में हूँ और ये मैप खोला है, और मैप में तो मुझे कोई जगह का नाम या कुछ भी डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा। हाँ, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है, जो एरोप्लेन का साइन ऊपर से जा रहा है नज़र आ रहा है, ये भी सर्कल है। सीज़न 1 के गेम प्ले में ये एरोप्लेन नहीं है, सर्कल है, सर्कल। और आपका जो सीज़न है अभी जो चल रहा है उसमें ये एरोप्लेन बना होता है। डायरेक्शन तो बिल्कुल सेम है लाइट फॉर्म में जिस तरह होती है। और ये लैंड का, अगर लैंडिंग का प्रोसेस देखा जाए तो ये भी बिल्कुल सेम है, नीचे जाके पैराशूट खुलेगा। तो तब लोगों को पता नहीं होता था, ज़्यादातर बोट होते थे और नई नई पबजी लॉन्च हुई थी कि किस तरह हम लैंड करें, किस एंगल से जाएँ पैराशूट, किस एंगल से खोला जाए, कहाँ पर हम लैंड करें। अब तो सबको क्लियर हो गया कि किस एंगल से हम जाएं नीचे लैंड करें पैराशूट से, अब तो सारे प्रो प्लेयर हैं। पहले इतना कंपटीशन भी नहीं होता था, अब तो सारे तकरीबन ज़्यादातर प्रो प्लेयर होते हैं। काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, टफ कंपटीशन। और अब नीचे हम घरों में जाते हैं, घरों का कलर और सब कुछ तो सेम ही नज़र आ रहा है सीज़न 1 के गेम प्ले में। यहाँ पे पेट्रोल कैन है और हमें क्रॉस वो एक मिली है, और ये फ्रेम लगा हुआ साइड पे, इसका मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, अब तो नहीं है, पहले होता था फ्रेम ये लगा हुआ, ऊपर तस्वीरें बनी है। यहाँ पे हमें एक बैग मिला है लेवल वन का, और ये फिर एक फ्रेम लगा है। नेड मिला, स्मोक मिला, ये चीज़ें तब भी थी और अब भी हैं। यहाँ पे हमें होलोग्राफिक मिला है, और बाकी ये सारा अंदर जितना भी सामान पड़ा होता है घर के फर्नीचर ये भी सेम है। और एक बात इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो है ना, अभी हम इसे थॉम्पसन कहते हैं, जो भी इस बंदे ने गन उठाई है, और तब इसे टोनी कहते थे। काफ़ी अजीब सा नाम है इसका, टोनी। तो बाहर की अगर बात की जाए तो बाहर तो सब कुछ सेम ही सेम है, ट्रीज, ये घास वगैरह, ग्रास सब सेम है। और जो ये पहाड़ हैं ये ब्लर नज़र आते थे सीज़न 1 के गेम प्ले में, और अब तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। बाकी घरों का रंग वगैरह सब सेम है। और इधर एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सर्कल जो है ना, अब आपका जो सीज़न है उसमें हमें सिर्फ वाइट सर्कल मिलता है, और यहाँ पर ब्लू सर्कल भी था। और बग्गी के साउंड में आपको बताता हूँ, अभी सामने बग्गी खड़ी है, ये तो बिल्कुल सेम है, इसका साउंड डिफरेंट होगा, काफ़ी अजीब सा इसका साउंड होगा, ये आप देख सकते हैं, ये सुन सकते हैं। और पीछे से मेरे ऊपर हुई है फायरिंग, तो अभी हम उसे मारेंगे।
तब तो ज्यादातर बोट ही होते थे, कोई कोई रियल होता था। और ये गेम प्ले में अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ये मेरे पास पुराना गेम प्ले पड़ा है। और ये भी इसको क्रॉस बो से मारेंगे। ये हीलिंग का वो भी सेम ही है, बैंडेजेस हैं इधर, प्रोसेस हीलिंग का भी सेम है। अब भी बैंडेजेस होते तो पहले भी हीलिंग का डिफरेंट नहीं है, बाकी कुछ ना कुछ डिफरेंट है। किल भी साइड पे मेंशन होता है, वो भी सेम है। जोन कितने मिनट में बनेगा, कितने सेकंड्स, ये भी सेम है। सारा कुछ मैसेज वाला भी ऊपर दिया हुआ है, वो भी सेम है। ऑल पे वॉइस लगानी है, वो भी सेम है। और यहाँ पे अगर देखा जाए इस बंदे के क्रेट में हमें स्कार और UMP9 मिलती है, जो UMP9 में पहले जिसमें 9 की एमओ पड़ती थी, और आप उसमें 5.45 इस तरह की 4.5 वाइट कलर की एमओ होती है, नाम आपको सही नहीं पता, वाइट कलर की होती है, वो एमओ पड़ती है। और इसका नाम भी चेंज हो गया है, UMP45 इस तरह का कुछ नाम है। मैं तो M416 लवर हूँ, इसलिए जब भी मैं गेम खेलता हूँ ज़्यादातर वही यूज़ करता हूँ, ये यूज़ नहीं करता, इसलिए मुझे इसका नाम सही पता नहीं है। बाकी इसका मुझे नाम बहुत अजीब लगा, टोनी नाम। बाकी गेम प्ले आप देखिए Season 1 का, इसमें भी ये हीलिंग का प्रोसेस भी सेम है बिल्कुल। किट्स वगैरह, बैंडेजेस, ड्रिंक, पेन किलर, तो ऊपर रेड जोन का भी मेंशन हुआ था कि रेड जोन बन गया, अलर्ट रहिए, जो अब भी होता है। बाकी अगर जगह की बात की जाए तो मैप की बात, ये सब चीज़ें सेम ही है, बस ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत होगा डिफरेंट, क्योंकि तब नई नई लॉन्च हुई थी, तो अब इसे काफ़ी अर्सा हो गया और आप ये बहुत फेमस भी हो गया, तो चेंजेस तो आते हैं। तब इसका एक ही मैप होता था इरेंगल, उसमें सोलो डो स्कॉट जो भी आप खेलना चाहें खेल सकते हैं। अब तो इसके 3-4 मैप बड़े हैं और बाकी छोटे, डेथ, TDM, वो कार्स वाला, वार, स्नाइपर ट्रेनिंग, बहुत सारे एरिना ट्रेनिंग, बहुत सारे इसमें आ गए हम तो। तो यहाँ पे एक बंदे को गाड़ी के नीचे देने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो आ नहीं रहा, वो उसको गाड़ी के नीचे देते हैं बंदे को। और ये हमें हमारा किल मिल गया यहाँ पे आसानी से, और अगले बंदे की तरफ जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी की टक्कर होगी जिससे हमें डैमेज होगा। यहाँ पे 3-4 बुलेट्स काम तमाम। तो पहले अब तो बहुत ज़्यादा बुलेट्स लगती हैं, एमो लगती है, तब बंदा जाके फिनिश होता है। तब तो 3-4 बुलेट्स में फिनिश हो जाता था बंदा। अब तो काफ़ी मुश्किल हो गई है पबजी, पहले बहुत आसान थी। ये वाली पबजी वैसे अच्छी थी क्योंकि इसमें ना लैग होती थी गेम, आप किसी भी मोबाइल में आसानी से खेल सकते थे, ना हैकर्स होते थे। अब तो इतनी गेम लैग होती है, बेशक अच्छे से अच्छी आप डिवाइस ले लें, मोबाइल ले लें, नेट आपका अच्छा हो, फिर भी लैग तो होगी। और हैकर्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मेरी टक्कर होगी अभी पत्थर के साथ, ये
और गाड़ी में से निकलने शुरू हो गया धुआं, और ये बंदा ऑफलाइन था। मारेंगे, ये मारिया, हीलिंग करेंगे। पत्थर के साथ गाड़ी लग जाए तो बहुत डैमेज होता था, अब भी होता है पर अब इतना नहीं होता, पहले बहुत होता था डैमेज। यहाँ पे मैट किट M416 AKM कंपेंसेटर सप्रेसर, बाकी सब कुछ सेम सेम ही है। वेस्ट हेलमेट बैग, इसमें मुझे सिर्फ ये गाड़ी नजर आई है और कोई गाड़ी नजर नहीं आई, और पीछे से फायरिंग की बोर्ड ही था उसने, क्योंकि गाड़ी में से पहले धुआं निकल रहा था तो वो तबाह होगी। तो भी हम पैदल भागेंगे क्योंकि जोन आ रहा है। तो पेन किलर यहाँ पे मिल गया और यूजी यहाँ पे पड़ी हुई है। अब तो कुछ गन भी नहीं आ गई है। तो तब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी कि गन छोड़ के भागेंगे, खड़े होके भागेंगे तो ज़्यादा तेज़ भागने होगा। यहाँ पे मैं बैठ के भाग रहा हूँ और AKM भी पकड़ी हुई है गन, तो भी जोन के अंदर हूँ। तब भी डर लगता था, तब बोर्ड भी होते थे ज़्यादा, प्लेयर भी नहीं होते थे इतने रियल बंदे, तब डर लगता था। नहीं नहीं शुरू की थी तो ये ना हो कि बंदा मर जाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आराम आराम से खेलते थे। अब तो मुश्किल भी हो गया, तब भी सीधा जाओ रश करो, मर गए तो मर गए, नहीं तो अगलों को मार दो, ऑपोजिट टीम को। तो ये सामने ड्रॉप गिरा है, ड्रॉप का स्मोक भी बिल्कुल सेम कलर में है, रेड कलर में। तो यहाँ पे मैं चोरों की तरह भाग रहा हूँ इधर उधर के कोई बंदा मिले और फाइट हो। यहाँ पे मैं आगे जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि मार ना जाऊँ। फिर यहाँ पे मुझे ऊपर एक बंदा नज़र आएगा, फिर अभी मैं इसे किल करूँगा फुल। ये सोलो ही था, सोलो में ही लग गया था तो सोलो ही होगा, मैं अभी क्या कह रहा हूँ। और अभी आप देख सकते हैं AKM मेरी सिंगल पे ही लगी हुई है अभी। और यहाँ पर मुझे पड़ेंगी अभी शॉट्स पड़ेंगे, मैं मर जाऊँगा यहाँ पर, किल हो जाऊँगा, चिकन डिनर मैं नहीं कर सकूँगा। ये मुझे किसी ने स्कोप लगा के शॉर्ट्स दिए थे, देख सकते। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।